हेलो फ्रेंड्स, जैसे हमने पढ़ा था कि जो मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 है, वो कहते हैं एक्सक्लूसिवली कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में, उसमें डिटेल में दिया हुआ है या रोड सेफ्टी के एस्पेक्ट्स को लेते हुए, ठीक है, उसके बारे में बताया गया है। और साथ ही साथ इसमें मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में कुछ वर्ड्स, फ्रेजेज या कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, ठीक है, जो रिलेटेड टू इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट होती हैं। जैसे डेफिनेशंस हैं आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स, कहते हैं जिसमें सेमी ट्रेलर्स होते हैं, अटैच होते हैं, उसको आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स कहते हैं। सेमी ट्रेलर्स क्या हैं, ये मानो ट्रक है, ट्रक के पीछे एक ट्रेलर बना हुआ है, जैसे ट्रैक्टर ट्राली होता है, तो वैसे एक तरह से ट्रेलर होता है जो ट्रक उसको खींच के लेके जाता है, ठीक है। बड़े बड़े काफ़ी ट्रक्स होते हैं, उसको आर्टिकुलेटेड व्हीकल्स कहते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन क्या है, हमारी गाड़ी की RC, उसके बारे में बताया है, ठीक है, कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से वो इशू होनी चाहिए, ठीक है, ड्यूली रजिस्टर्ड होनी चाहिए विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, जो उसमें प्रोविजन दिया है एक्ट के अकॉर्डिंग उसको बनाना चाहिए। कंडक्टर, कंडक्टर क्या है, बस वाला कंडक्टर, वो इसके बारे में बताया गया है कि ये स्टेज कैरियर के लिए होता है, ठीक है, और इसके लिए एक एग्ज़ाम भी होता है, मैं एग्ज़ाम कह रहा हूँ, लाइसेंस होता है इसका कंडक्टर का, वो नेक्स्ट है। स्टेज कैरियर क्या है, जैसे बसेज हैं उनको स्टेज कैरियर्स कहते हैं। कैरियर्स का मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाला रिलेटेड हो गया। स्टेजेस मींस एक एक स्टेजेस के लिए वो आगे आगे रुक रहा है, ठीक है। कंडक्टर कौन है, अभी जो वहाँ में बस में पैसेंजर के लिए पैसेंजर कौन आ रहा है जा रहा है, एग्जिट इन टू वो रखता है ध्यान, और साथ के साथ तो बस वाला जो बंदा है टिकट वगैरह काटता है, ठीक है, फेयर्स वगैरह कलेक्ट करता है, किराया लेता है, वो कंडक्टर है। कंडक्टर के लिए लाइसेंस होता है, उसका कंडक्टर्स लाइसेंस है, वो कहते हैं एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा बना होता है। कॉन्ट्रैक्ट कैरियज, कॉन्ट्रैक्ट कैरियज क्या है, कहते हैं एक बस सर्विस, जैसे कुछ सर्विस है, एक सर्विस है जिसमें कहते हैं वेदर एक्सप्रेस्ड और इम्पाइल्ड एंगेजमेंट होती है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसमें वो व्हीकल है, जो पर्टिकुलर व्हीकल जिसका वो कैरियज है, पैसेंजर कैरियज ऑफ पैसेंजर है, ठीक है, जो भी उसमें मेंशन किया हुआ है वो एक अंडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स कहते हैं, ठीक है। ये तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट है इसमें अ टाइम बेसिस, कुछ टाइम होता है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके अकॉर्डिंग होता है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। सेकेंड है कहते हैं इन अनदर केसेस विदाउट स्टॉपिंग टू पिकअप और सेट डाउन पैसेंजर, नॉट इंक्लूडिंग द इन कॉन्ट्रैक्ट एनी वेयर ड्यूरिंग द जर्नी एंड इंक्लूड्स, वो कुछ स्टॉपिंग पॉइंट उसमें फिक्स नहीं होता, वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, ठीक है, कि कौन पैसेंजर रहेगा कौन नहीं रहेगा वो कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं होता। या इसमें मैक्सी कैब भी आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट कैरियज में, या कुछ मोटर कैब्स भी होती हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट कैरियज में आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारा स्टेज कैरियर। स्टेज कैरियर क्या है, जैसे हमने बात की तो बसेस, ऑलमोस्ट बसेस वगैरह इसकी एग्जांपल है स्टेज कैरियर इसकी। उसमें कहते हैं कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, मोर देन 6 पैसेंजर होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि स्टेज कैरियर में कितने पैसेंजर्स होते हैं, तो उसमें मोर देन 6, 6 से ज़्यादा पैसेंजर होते हैं इंक्लूडिंग द ड्राइवर फॉर हायर एंड वार्ड्स, ठीक है। तो उसे स्टेज कैरियर में 6 से ज़्यादा पैसेंजर्स होते हैं इंक्लूडिंग द ड्राइवर फॉर हायर एंड रिवार्ड, ठीक है। उसमें कुछ कुछ फिक्स जर्नी नहीं होती, ठीक है, वो कहीं पे भी स्टेज के अकॉर्डिंग, जैसे स्टेज बता रहा है तो वहीं कहीं भी वो रुक सकता है, ठीक है। कुछ फिक्स फेयर भी नहीं होता, कहते फेयर पेड और इंडिविजुअल पैसेंजर फेयर पे करता है जितनी वो जर्नी करता है, वो होल जर्नी के लिए भी हो सकता है और स्टेजेस में भी हो सकता है, जितना उसने सफ़र किया तो उसके अकॉर्डिंग वो फेयर पे कर सकता है। इसमें डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट कैरियज एंड स्टेज कैरियर, डिस्टिंक्शन क्या है कि डिफरेंस क्या है कॉन्ट्रैक्ट कैरियज का और स्टेज कैरियर का, क्योंकि दोनों पैसेंजर व्हीकल्स हैं, ठीक है। तो अब हमें पता लग गया कॉन्ट्रैक्ट कैरियज क्या है, कि वो कहते हैं एक होल जर्नी के लिए होता है, ठीक है, एक सफ़र के लिए होता है बिटवीन टू पॉइंट्स, मतलब एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जो सफ़र रहता है तो उसके लिए होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कैरियर। उसके लिए एक बंदा या ज़्यादा बंदे भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और कहते हैं उसको राइट नहीं होता, उसको अधिकार नहीं होता कि वो किसी इन रूट जो उस रूट में है उस किसी पैसेंजर को पिकअप करे, ठीक है, वो एक के लिए या ज़्यादा के लिए होते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए, ऐसा लिखा है। और स्टेज कैरियर में क्या है, कहते हैं वो दो पॉइंट बिटवीन दो पॉइंट के पॉइंट में चलती है, बट उसमें क्या रहता है कि पैसेंजर के डिपेंड करता है कि वो कितना ट्रैवल
करेगा अपना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो किराया फेयर है वो देगा, फेयर किराया जो रहेगा वो उसके डिस्टेंस के जितना वो ट्रैवल करेगा उसके अकॉर्डिंग वो देगा। नेक्स्ट ड्राइवर, ड्राइवर का पता है, ड्राइवर क्या है जो गाड़ी को चलाता है, स्टीयर मैन है उसको, स्टीयर मैन कहते हैं टू ड्रा द व्हीकल, जो व्हीकल को चलाता है, ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस का भी है, कहते हैं एक अथॉरिटी के द्वारा लाइसेंस इशू होता है अंडर द चैप्टर 2 ऑफ 90 Act 2, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चैप्टर 2 ऑफ 1988 मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर 2 के अकॉर्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन जो ड्राइव करता है, ठीक है। उसकी कहते हैं स्पेसिफाइड क्लासिफिकेशंस भी हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, पीरियड ऑफ करेंसी ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पे पीरियड कहते हैं, अमेंडमेंट ने हमें एक और चीज़ बताई है, कहते हैं अमेंडमेंट की वजह से एक और चीज़ आई है, कहते हैं जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं जो डेंजरस या हैजार्डस नेचर वाले गुड्स जो चीज़ें हैं उसको कैरी करते हैं उनके लिए कहते हैं 1 साल के लिए ही लाइसेंस इशू होता है। अगर उन्होंने रिन्यू करवाना होता है तो उनको एक रिफ्रेशर कोर्स होता है, एक प्रिस्क्राइब्ड कोर्स के लिए एक प्रिस्क्राइब्ड कोर्स होता है, उसको रिफ्रेशर कोर्स कहते हैं, उनको वो एक एग्ज़ाम टाइप कुछ देना पड़ता है और उनको फिर लाइसेंस इशू होता है। कहते हैं जो दूसरे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उनका लाइसेंस 3 साल के वैलिड होता है, ठीक है। डेंजरस और हैजार्डस नेचर्स जो कैरी करके लेके जाते हैं उनका 1 साल के लिए इशू होता है और उनको बाद में रिफ्रेशर कोर्स देना पड़ता है, बाद में उनका लाइसेंस रिन्यू होता है। और ट्रांसपोर्ट व्हीकल वालों का लाइसेंस 3 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ओके। कहते हैं इन केस ऑफ द प्राइवेट कार, प्राइवेट कार कहते हैं पहले यूज्ड टू बी वैलिड फॉर 20 ईयर्स, कहते वो 20 साल के लिए अगर कोई बनाता है तो 20 साल के लिए वो इशू होता है, बट उसमें क्या रहता है कि आदमी की अगर उम्र मतलब 40 साल तक ही वो वैलिड रहेगा, 40 साल के बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा है कि 20 साल तक उसका लाइसेंस बनेगा टिल अ पर्सन अटेन एज ऑफ 40 ईयर्स, ठीक है। मानो एक बंदा 30 साल का है, वो अपना वो बनाता है ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसका लाइसेंस 10 साल के लिए बनेगा, तो जब तक वो 40 साल अटेन नहीं कर लेता, उसको 40 साल एज हो नहीं जाती तो अब तक उसका लाइसेंस बनेगा। और सपोज़ कोई बंदा है जिसकी एज 20 ईयर्स है तो वो उसका 20 साल के लिए बनेगा, बट कहते हैं वो पहले था, इट यूज्ड टू बी, ठीक है, वो पहले था यूज्ड टू बी, बट एज़ नाउ पर द अमेंडमेंट, बट अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग क्या है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है जो 50 साल से अबव वाले हैं, ठीक है, उनका रिन्यू होएगा वो सिर्फ 5 साल के लिए रिन्यू होएगा, ठीक है, ऑन द पेमेंट ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड फीस, एक पेमेंट फीस रहेगी जिसपे वो लाइसेंस इशू होगा 50 साल के अबव वाला। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है, IRDA कहीं ने बताया कि अगर 50 साल एज हो जाती है उसके बाद रिन्यू करवाते हैं तो कितना वो 5 साल के लिए 5 साल के लिए वो वैलिड रहेगा। नेक्स्ट, ग्रोस व्हीकल वेट, अच्छा मैंने ये निशान बनाया है हैश टाइप का, हैश टाइप मीन्स इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है इसीलिए, ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है हैश के लिए, तो इसको ध्यान रखना कि जहाँ जहाँ मैंने निशान बनाया है तो वो इंपॉर्टेंट है, आप भी अपने ये नोट करते रहना साथ साथ। और नेक्स्ट, ग्रोस व्हीकल वेट, ग्रोस व्हीकल वेट क्या है, जो टोटल वेट है गाड़ी का प्लस जो उसमें लोड है, ठीक है, जो सर्टिफिकेट है लोड का, जितना लोड बना है उसका, तो जितना सारा वेट है तो वो उसका ग्रोस वेट है। एक व्हीकल है, व्हीकल का खुद का वेट हो गया, उसमें सामान है, सामान का वेट हो गया, तो सारे वेट को ग्रोस वेट कहते हैं। जो उसमें सामान है, गुड्स हैं, तो वो उसमें उसके लिए लोड सर्टिफिकेट होता है जो रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी उसको प्रिस्क्राइब करती है, कि लिख के देती है जी, परमिशन देती है कि इतना लोड वो गाड़ी, ये वाली गाड़ी कैरी कर सकती है। मैक्सी कैब, मैक्सी कैब क्या है, कहते वो ना जिस गाड़ी में 6 पैसेंजर जा सकते हैं बट 12 से ज़्यादा नहीं बैठ सकते, ठीक है, बट नॉट एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, ठीक है, ड्राइवर के बिना, एक्सक्लूड ड्राइवर के बिना, जिसमें 6 पैसेंजर से लेके 12 पैसेंजर तक बैठ सकते हैं, यानी कि अगर ड्राइवर ऐड कर देंगे तो 13 हो जाएंगे टोटल, तो उसमें उसको मैक्सी कैब कहते हैं। मोटर कैब क्या है, कहते हैं जो कैरी करती है 6 पैसेंजर को एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, यानी टोटल 7, वो मैक्सी कैब है।
मोटर कार क्या है, कहते मोटर कार वो है अदर देन द ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है, ओमनीबस नहीं है, रोड रोलर नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, मोटरसाइकिल नहीं है या इनवैलिड कैरिज नहीं है, वो सारी मोटर कार में इंक्लूड हो जाएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है कुछ ये कुछ ये वाली वो वाली डेफिनेशन जिसके बारे में आपको सब मोस्टली पता ही होएगा। जैसे मोटर व्हीकल, व्हीकल्स क्या है, मोटर व्हीकल्स वो हैं जो गाड़ियाँ हैं हमारी, फोर व्हीलर्स वगैरह, कहते हैं इसमें सब कुछ आ जाता है, ट्रेलर ट्रेलर वगैरह अटैचमेंट है, या जो सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं, जो खुद चलते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक चलते हैं, पेट्रोल डीजल वाली गाड़ीज़ हैं, वो सारी आ जाती है। बट इसमें कहते जो रेल्स हैं, वो लोकोमोटिव हैं, वो वाले इंक्लूड नहीं होते, ठीक है, जो रेल फिक्स्ड रेल पर चलते हैं वो, उसको उनको व्हीकल नहीं कहते, या कहते जो 25 क्यूबिक से नीचे वाले हैं उसको नहीं व्हीकल्स कहते, 25 क्यूबिक सेंटीमीटर 25 cc वाले। अच्छा, प्राइवेट सर्विस व्हीकल क्या है, जो प्राइवेट बंदा चलाता है अपनी गाड़ी के लिए, मोर कंस्ट्रक्टेड टू अडॉप्ट कैरी मोर देन सिक्स पैसेंजर इंक्लूडिंग द ड्राइवर, ठीक है, तो 6 पैसेंजर के लिए रहेगा और साथ में वो इंक्लूडिंग ड्राइवर रहेगा, 6 पैसेंजर से ज़्यादा जो वाला व्हीकल है उसको प्राइवेट सर्विस व्हीकल्स कहते हैं। जैसे बसेस होती हैं प्राइवेट सर्विसेज वाली, तो वो प्राइवेट सर्विस हैं, पर पब्लिक सर्विसेज क्या है, पब्लिक मीन्स सरकारी रिलेटेड गवर्नमेंट वाली कुछ रहेगा, ठीक है। जॉब्स टू अडॉप्ट टू कैरी कैरियज पैसेंजर फॉर हायर एंड रिवार्ड इंक्लूडिंग मैक्सी कैब, मोटर कैब, कॉन्ट्रैक्ट कैरियर और स्टेज कैरियर, बसेज वगैरह कॉन्ट्रैक्ट कैरियर, मोटर कैब, मैक्सी कैब, पब्लिक मींस पब्लिक के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट की भी कह सकते हैं हम, या पब्लिक कोई भी बंदा किसने हायर की हुई है एज ए कॉन्ट्रैक्ट कैरियर। पब्लिक प्लेसेस क्या है, रोड हैं, स्ट्रीट हैं, या कुछ अदर प्लेसेस हैं, ठीक है, वो सारी पब्लिक प्लेसेस होगी, पता ही आपको। ट्रेलर्स क्या हैं, जैसे ट्रेलर गाड़ियों के पीछे रहता है, ठीक है, बड़े बड़े ट्रकों के पीछे बड़े बड़े से लगे होते हैं ट्रेलर, वो ट्रेलर होते हैं, ठीक है, उनको सेमी ट्रेलर, साइड कार भी, वो भी एक ट्रेलर है, मान लो स्कूटर मोटर बाइक के साथ में साइड कार लगी हुई है, वो भी एक ट्रेलर है, ठीक है। पॉलिसी इंश्योरेंस क्या है, सर्टिफिकेट इंश्योरेंस। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी कहते व्हीकल्स, रोड, ब्रिजेस, है ना, कॉजवे, स्ट्रीट, पोस्ट, माइलस्टोन्स, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। थर्ड पार्टी क्या है, कहते हैं इंक्लूड गवर्नमेंट। गुड्स कैरियज क्या है, जैसे गुड्स कैरियज कहते हैं वो कहते हैं कैरियज ऑफ गुड्स के लिए, सामान कैरी करने के लिए होता है। एनी मोटर व्हीकल नॉट टू कंस्ट्रक्ट अडॉप्ट यूज्ड फॉर द कैरियज गुड्स, ठीक है, जो गुड्स के लिए, गुड्स कैरियज क्या है, जो व्हीकल गुड्स को कैरी करने के लिए बना होता है, वो सिर्फ गुड्स के लिए बना होता है, तो गुड्स कैरियर। नेक्स्ट हमारा लाइट मोटर व्हीकल LMV, कहते जो सारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, जैसे ओमनीबस होगी, ग्रोस व्हीकल, जिनका ग्रोस व्हीकल, ठीक है, ऑफ आइदर ऑफ विच ऑफ द मोटर कार और द ट्रैक्टर, रोड रोलर, अनलेडन वेट ऑफ एनी विच डज नॉट एक्सीड 7500 kg, कहते हैं कोई भी लाइट मोटर व्हीकल, कोई ट्रांसपोर्ट व्हीकल, ओमनीबस, रोड रोलर, ट्रैक्टर, ठीक है, जिसका ग्रोस वेट, या तो ग्रोस वेट या अनलेडन वेट 7500 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अनलेडन वेट क्या होता है कि, हाँ जी, जिसमें ना तो कोई सामान है, ना कोई गुड्स है, ना कोई पैसेंजर है, उनको अनलेडन वेट कहते हैं, जिसका अनलेडन वेट 7500 kg से ज़्यादा नहीं है, तो वो लाइट मोटर व्हीकल में आएंगे, ठीक है। जैसे RC में रजिस्ट्रेशन, जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उसमें मेंशन होता है, कहते अर्लियर इट वाज 6000 kg, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले कितना होता था और अब कितना वेट है लाइट मोटर व्हीकल के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक ग्राफ चार्ट दिया हुआ है, उसमें भी मेंशन किया हुआ है, कहते लाइट मोटर LMV के लिए अप टू ग्रोस वेट 7500 kg है, ठीक है, और MVW के लिए ग्रोस व्हीकल वेट 7500 kg टू लेके 12000 kg तक है, 7500 kg से लेके 12000 kg तक जो व्हीकल रहेंगे वो MVW में आएंगे। जो HGV वाले हैं, तो उसका ग्रोस GVW ग्रोस व्हीकल वेट जिसका 2000 kg से, ठीक है, ज़्यादा रहेगा, वो GVW में आएंगे, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक है, आई थिंक 12000, तो यहाँ पे अगर 12000 से वेट ज़्यादा रहेगा जिसका, वो HGV आएंगे, हाई ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाले, ठीक है।
ठीक है, तो वो उसमें आ जाएगा जिसका ग्रॉस वेट इससे ज़्यादा रहेगा। नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल, जैसे हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टिफिकेट पढ़ा तो रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल भी है कि हाँ जी कोई भी ओनर व्हीकल का, मोटर व्हीकल का, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे, ठीक है, वो गाड़ी नहीं चला सकता, ठीक है, एज़ पर द सेक्शन 39 स्टेट्स, जो 39 कहता है कि नो पर्सन शैल ड्राइव एनी मोटर व्हीकल एंड नो ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल शैल कॉज और परमिट ए व्हीकल टू बी ड्रिवन इन द पब्लिक प्लेस, ठीक है, पब्लिक प्लेस पे नहीं चला सकता एज़ पर द सेक्शन 39। तो उसको मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अकॉर्डिंग उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा अथॉरिटी से। फिटनेस व्हीकल, फिटनेस ऑफ द व्हीकल क्या है, ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट होता है, जो ट्रांसपोर्ट, ये सारे टर्म्स, ये फिटनेस ऑफ सर्टिफिकेट, ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में आती है। कहते हैं सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में, ये सेक्शंस आप याद रखना, ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ अथॉरिटी वाला था, रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल वाला, वो सेक्शन 39 है जिसमें कहा गया है कि कोई व्हीकल रोड पे नहीं चल सकता, ठीक है, विदाउट रजिस्ट्रेशन, वो सेक्शन 39 है। और सेक्शन 56 है फिटनेस ऑफ द व्हीकल, सेक्शन 56 फिटनेस ऑफ द व्हीकल, सेक्शन 56 फिटनेस ऑफ द व्हीकल, ओके। मैंने तीन बार इसलिए रिपीट किया है क्योंकि सेक्शन याद रखने ज़रूरी हैं। सेक्शन किसका है, मोटर व्हीकल एक्ट 98 है, जिसमें कहते हैं कि उसका एक वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिटनेस सर्टिफिकेट क्या है कि वो जैसे बस होगी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, उसको चेक करते हैं कि हाँ जी वो फिट है कि नहीं है, जैसे स्कूल बसेज हैं, ठीक है, कि उसका शीशा तो नहीं टूटा, सीट बेल्ट लगी हुई है, तो उसको फिटनेस करवानी पड़ती है कुछ, ठीक है। अगर कहते हैं उसका फिटनेस, मानो एक्सीडेंट, एक कुछ दिया है एग्जांपल, कहते हैं उसका फिटनेस एक्सीडेंट से पहले फिटनेस एक्सपायर हो जाता है तो उसको रजिस्टर भी नहीं माना जाएगा, ठीक है, उसका क्लेम नहीं बनेगा एज़ पर द सेक्शन 39 ऑफ 1988 एक्ट, ठीक है। ये सेक्शन 39 इसमें डिस्क्राइब किया है डिटेल में, वो क्या है, कहते सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 50, सेक्शन 39 का रूल 52 है, रिन्यूअल ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, एंड रूल 62 क्या है, वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ द फिटनेस, ठीक है, 62 सर्टिफिकेट की फिटनेस के लिए है, वैलिडिटी के लिए, और जो रूल नंबर 52 है वो रिन्यूअल के लिए है, RC का रिन्यूअल के लिए। नेक्स्ट परमिट, परमिट कहते हैं सेक्शन 66(1) ऑफ एक्ट 1988, नेसेसिटी ऑफ परमिट, इसका डिटेल में हम नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है वो पढ़ेंगे। ये दिया हुआ है सेक्शन ये 3 का, ठीक है, सेक्शन 66 नेसेसिटी ऑफ परमिट, ये डिटेल में डिस्क्राइब किया, हम आगे पढ़ेंगे इसको। कहते हैं ये आगे दिया हुआ है परमिट क्या है, जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उसके लिए वो परमिट इशू होता है, ठीक है, नेशनल परमिट, ऑल इंडिया, ठीक है, ऐसे परमिट्स होते हैं। सर्टिफिकेट इंश्योरेंस, सर्टिफिकेट इंश्योरेंस क्या है, हमारी गाड़ियों की इंश्योरेंस, वो उसको सर्टिफिकेट इंश्योरेंस लिखा है, ठीक है। कहते हैं जो सर्टिफिकेट इंश्योरेंस है उसको फॉर्म 51 कहते हैं, जो सर्टिफिकेट इंश्योरेंस है वो फॉर्म 51 होता है। कहते हैं एज़ पर द चैप्टर 11th, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना, तो वो कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मैंडेटरी है गाड़ियों के लिए अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट 1988, ठीक है। वो कहते हैं सर्टिफिकेट इशू या इंश्योरर करता है, या कोई अथोराइज्ड इंश्योरर करता है, या गवर्नमेंट के द्वारा फंड्स में होता है, क्योंकि सरकारी गाड़ियों का इंश्योरर वो खुद ही देखते हैं, ठीक है, या जनरल इंश्योरेंस बिजनेस के अंडर आ जाती है, उनके थ्रू होता है, ठीक है। तो उसको वो सर्टिफिकेट इंश्योरेंस क्या है, उसको कवर नोट भी कहते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस भी कहते हैं। कहते हैं अगर कोई ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक रोड ट्रैफिक अथॉरिटी उसको डिमांड करती है, ठीक है, डिमांड करेगी, तो जो सर्टिफिकेट इंश्योरेंस है उसको प्रोड्यूस करना ज़रूरी रहेगा, मैंडेटरी ही है एक तरह से, ठीक है।